फरियादी मनोज पिता रामचंद्र पुरी उम्र 36 साल निवासी छतरपुरा थाना छापीहेड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे गांव के धूल मालवी का शव देवकरण दांगी के खेत में पड़ा हुआ मिला था। धूल मालवी के गले पर कटने का निशान था और खून निकला था। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे गांव के धूली मालवी की हत्या कर दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचना दी गई। पुलिस कप्तान राजगढ़ प्रदीप शर्मा और SDOP राजगढ़ सरमबी खान द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना कर अग्रिम कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद के कुशल नेतृत्व व निर्देशन और SDOP सरमबी खान के मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपियों की तलाश हेतु छापीहेड़ा पुलिस द्वारा टीम गठित की गई। अज्ञात आरोपी की तलाश हेतु FSL टीम, डॉग स्क्वाड, साइबर सेल और मुखबिर तंत्र की मदद ली गई। हत्या के दो आरोपियों को 2/6/2022 को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में आरोपियों को दिनांक 2/6/2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों और SP प्रदीप शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद के कुशल नेतृत्व निर्देशन और SDOP सनमबी खान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाना छापीहेड़ा निरीक्षक जयप्रकाश चौहान और उनकी पूरी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये जो ग्राम सदरपुरा में मर्डर हुआ है, इसमें पुलिस ने अभी तक क्या क्या कार्रवाई की गई, इस संबंध में बताएं। दिनांक 23/5/22 को ग्राम छतरपुरा के चौकीदार मनोज द्वारा जानकारी दी गई कि ग्राम छतरपुरा में देवकरण डांगी के खेत पर धूलजी मालवी का शव पड़ा हुआ है। घटनास्थल पर जाकर देखा गया, जो सूचना सही पाई गई, तत्काल वरिष्ठ अधिकारीगणों को सूचित किया गया। मौके पर SDOP महोदय, राजगढ़ एवं FSL अधिकारी एवं डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट की टीम आई, जिनके द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। मौके पर मर कायम किया गया एवं अपराध धारा 302 भादवी का अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध कायम किया गया। सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़, सीमांत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ एवं SDOP महोदय राजगढ़ के निर्देशन में टीम गठित कर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ कर बयान नोट किए गए। मुखबिरों द्वारा और ग्रामीणों द्वारा प्रारंभ से ही मृतक के पुत्र देवसी मालवी एवं उसके दोस्त बापू लाल दांगी के ऊपर संदेह व्यक्त किया गया था। दोनों घटना दिनांक को साथ में थे और घटनास्थल के आसपास देखे गए थे। इसी दिशा में लगातार विवेचना एवं साक्ष्य संकलन किया गया। दिनांक 2/6/22 को विवेचना के दौरान ग्राम छतरपुरा में मुखबिरों द्वारा सूचना दी गई कि देवसी मालवी एवं बापू लाल दांगी राधास्वामी सेंटर के सामने हैं एवं भागने की फिराक में है, जो मौके पर जाकर स्टाफ की मदद से दोनों को पकड़ा एवं पूछताछ हेतु थाने लाए। पूछताछ पर देवसी मालवी एवं बापूलाल दांगी ने अपना अपना जुर्म स्वीकार किया। देवसी मालवी ने बताया कि दिनांक 23/5/22 को वो ग्राम सोनखेड़ा तरफ जा रहा था, बीच में बापूलाल दांगी मिला। दोनों ने साथ में बैठकर शराब पी एवं वहीं पे देवसी मालवी और बापूलाल दांगी ने धूलजी मालवी को मारने की प्लानिंग बनाई, जिसमें दोनों बकरी चरा रहे धूलजी मालवी के पास आए। बीच में टापरी में से उन्होंने खटिया के दोनों ने एक एक पाया उठाया और देवसी मालवी ने पहले अपने पिता को सिर पर मारा, जिससे वो गिर पड़ा, और उसके बाद बापूलाल मालवी ने उसे खटिया के पाए से मारा। बापूलाल दांगी ने खटिया का पाया वहीं घटनास्थल पर पटक दिया था, जबकि देवसी मालवी ने घटनास्थल के पास ही झाड़ियों में खटिया का पाया छिपा दिया गया था। देवसी मालवी ने मेमोरेंडम पर पाया जब्त कराया, जिसे जब्त किया और देवसी मालवी की गिरफ्तारी की गई। बापूलाल दांगी ने और देवसी मालवी ने बाद में घटनास्थल पुनः पहुंचकर बापूलाल दांगी द्वारा मृतक का गला कुल्हाड़ी से काटा गया। जो मेमोरेंडम पर बापूलाल दांगी ने घटना में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी घटनास्थल के पास से झाड़ियों में से निकालकर जब्त करवाई है। उसके बाद बापूलाल दांगी ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कराई है। दोनों से जब्ती एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई कर दोनों को माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जहाँ से जेल वारंट पर दोनों को जेल दाखिल। राजगढ़ से नाजनीन अल्ताफ की रिपोर्ट।